उत्तर प्रदेश और बिहार में हुए उपचुनावों के परिणाम से ये साबित हो गया है कि देश की जनता का अब भाजपा से मोह भंग हो चुका है। ये कहना है प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अजय महाजन का। आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, उपचुनाव भाजपा के पतन का संदेश दे रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां और 15-15 लाख रुपया खाते में डालने का जो लॉलीपॉप दिखाया था, ये उसी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इन परिणामों से साफ हो गया है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। साथ ही उन्होंने नोटबंदी और GST जैसे जन विरोधी फैसलों को भाजपा की हार का कारण बताया। वहीं पर उन्होंने चारों लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस की जीत का दावा किया और कहा कि इन चुनावों का प्रभाव देश के साथ साथ प्रदेश में भी होगा। ये जो परिणाम आए हैं, ये लग रहा है कि बीजेपी सरकार की पतन की शुरुआत हो गई है। और पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, अब UP और बिहार, ये जो परिणाम सामने आ रहे हैं, ये लग रहा है कि ये जो सरकार है, जो इन्होंने वायदे किए थे जब ये चुनी गई थी कि युवाओं को नौकरियां देंगे 2 करोड़ हर साल, और फिर कह दिया कि पकौड़े बनाओ, 15-15 लाख हर अकाउंट में आएंगे, एक पैसा नहीं आया, विदेशों से काला धन आना था, और ऐसे कई जुमले इन्होंने किए। और इन्होंने कहा ये देश जो है ये कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये आगाज़ है बीजेपी 2019 के जो इलेक्शन है, जो देश है ये बीजेपी सरकार से मुक्त हो जाएगा। और लोगों का जो ये गुस्सा है, ये बहुत बड़ी बात है कि चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी और राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये लोगों की ये गुस्सा है। नोटबंदी की बात थी, GST की बात थी, और ऐसे कई इन्होंने जनहित के खिलाफ जो फैसले लिए थे, अब लोगों का गुस्सा सामने आना शुरू हो गया। और मुझे लगता है 2019 में ये जो देश है ये बीजेपी सरकार से मुक्त हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट तो प्रदेश में पड़ेगा, प्रदेश की जो 4 लोकसभा सीटें, बिल्कुल पड़ेगा इसका, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और आने वाले टाइम में ये जो 1 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, कांग्रेस की चारों की चारों सीटें वापस कांग्रेस को आएंगी। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नूरपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट।